हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों एक्टिवा 125 सीसी की है, जिसमें कि आपको 8.5 bhp की पावर मिल जाती है, जिससे कि ये जो स्कूटी है इसको चलने में थोड़ी सी पावर जनरेट अच्छी हो जाती है और ये पिकअप वगैरह भी अच्छे ले लेती है। दूसरा अगर इसमें देखा जाए तो आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है, जिससे कि माइलेज कम हो जाता है। फर्स्ट थिंग ये है कि इसका माइलेज कम हो जाता है। सेकंड, इसकी रेस वगैरह जो है वो उसके नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं, उसमें आप देख सकते हो इसमें पावर ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आपको मिल जाती है एक जो डिक्की कह सकते हैं इसे, ये मिल जाती है। अगर आप इसका एक्टिव 4G से कंपेयर करें तो ये थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में मिल जाएगी। और अगर इसके फ्यूल टैंक की बात की जाए तो ये आपको मिल जाता है ऐसे 7 लीटर के आसपास, क्योंकि कंपनी तो 6 लीटर ही कहेगी। अगर आप इसमें ज़बरदस्ती डलवाओगे तो 7 लीटर के आसपास आ जाता है इसके अंदर। दूसरे अगर इसके लुक्स की बात की जाए तो अगर आप एक्टिवा 4G देखोगे तो उसे थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है एज़ कंपेरिजन दिस एक्टिवा। इसमें लुक्स के मामले में आपको ज़्यादा तो नहीं मिलते हैं, बस बाकी होंडा की जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है वो मिल जाएगा। सेकंड, पावर अच्छी है इस चक्कर में, इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। ट्यूबलेस टायर भी मिल जाते हैं आपको इसमें। अब BS4 की सिस्टम आ चुका है तो BS4 की इंडिकेशन वगैरह भी आपको पता ही होगी कि लाइट्स ऑन रहेगी। दूसरा, एक्टिवा को एक चीज़ इसमें सुधार लेनी चाहिए कि इसकी जो की फीचर है वो जो यहाँ आपको की निकाल कर खोलना पड़ता है उसे एक्सेस और ड्यूक की तरह डायरेक्ट यहीं से ऐसे करने पर निकल जानी चाहिए। बाकी अगर इसका मीटर देखें तो इसे थोड़ा सा डिजिटल कर दिया गया है। आप अगर इसका लुक बताऊं तो ये हो चुका है एक्सेस 125 की तरह, उसमें भी इसी तरह से ट्रिप वगैरह आती है और फ्यूल इंडिकेशन आता है, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, इंडिकेटर इंडिकेशन, हाई बीम, लो बीम और बाइक की स्पीड या इसकी स्पीड। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा रिव्यू किया था मैंने इस बाइक का, या सॉरी इस स्कूटी का। तो दोस्तों इसमें आपको अगर पावर और ज़्यादा अच्छी तरीके की लेनी है स्कूटी तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपको ये मिलेगी करीबन 61 से 62 हज़ार रुपये एक शोरूम में। उसका जो प्राइस वगैरह है वो आपकी सिटी के अनुसार हो जाएगा चेंज RTO में। दूसरा, स्कूटी का ओवरऑल क्या बताना था, वो इतना बहुत ठीक है। बाकी इसकी बैटरी की जो यूज़ है वो भी ठीक ठाक ही है, अच्छी बैटरी चल जाती है तो बार बार बैटरी की प्रॉब्लम आती नहीं है इसमें।